चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हेलो भाई लोग, क्या चल? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। भाई लोग अपना आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो साथ। तो इस गेमिंग वीडियो में आपको बहुत ही मज़ेदार क्लच देखने वाले हैं एंड एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट मैंने आपके लिए रखा है, तो वो आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा या एंड में बताऊँगा। वो भाई आपके लिए बहुत ही मतलब कि स्पेशल मूवमेंट है, मूवमेंट कह सकते हो या मतलब कि आपके लिए स्पेशल मतलब कि चीज़ रखी है मैंने इस वीडियो में आपके लिए, तो वो बताऊँगा आपको मैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अगर आप वीडियो स्किप कर दे तो भाई आप मतलब कि फिर रह जाओगे। ठीक है, और आपसे पूछूंगा भी कुछ मैं आपसे। ठीक है, सभी जनता लोग से मैं आपको आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करके जो बताना। एंड यहाँ पर मैं पहले फिर तो गेम प्ले एंजॉय करो। तो यहाँ पर उतरा था यहाँ पर क्लॉक टावर में, एक क्लॉक टावर उतरते ही भाई यहाँ पर बतरे बंदे इतने आ गए थे भाई क्या बताऊँ आपको। एंड यहाँ से मैं बंदा शो होता तो ये दीवार टूटी क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, अंबुजा सीमेंट। मैं नॉक करने की कोशिश करता हूँ बट बच जाता है। इसका दूसरा टीममेट मेरे हाथ से लग जाता है एंड इसको मैं फिनिश कर देता हूँ पूरा नॉक करके। अब जिसको मैं पहले नॉक कर रहा था तो वो बंदा मुझ पर रश करता है तुरंत ही, जैसे ही मैं इसको फिनिश करता हूँ। अब देखो भाई इसको कैसे पीलते हैं। अब यहाँ पर दो बंदे पूरी तरह से फिनिश हो चुके थे एंड बचते हैं इनके दो बंदे, तो वो भी भाई यहीं पर होते हैं। पूरी स्क्वाड उतर थी यहाँ पर मैंने जब उतर रहा था यहाँ पर, तो भाई मतलब कि इतना भाई स्क्वाड मतलब आ गया था तो यहाँ पर क्या बताऊँ आपको। एंड क्लच मतलब कि शुरू में ही बकने भाई इतना हो गया था कि भाई लास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, मतलब कि क्लॉक टावर में इतने क्लच हो गया था पूरा। एंड आपको क्लच बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई लोग अभी तक जिसने वीडियो लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो लाइक कर दो। एंड गाइस जो भी चैनल पर नया है तो करो गाइस नीचे सब्सक्राइब, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उसको प्रेस करो, नोटिफिकेशन ऑल पर रखो ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता है स्टीव का भी एंड गेम खेलने का भी। अब यहाँ पर देखो मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तो मुझे बंदा पीछे से फायर देता है बहुत ही तगड़ा, तो उसको मैं बैक आकर पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब इसका लास्ट बंदा बचता है, बस वो लास्ट बंदा भी यहीं पर होता है बट मुझे पता नहीं लगता। अब जैसे मैं इसके पास होता हूँ भाई मेरी यहाँ रुको जरा सबर करो, अगर मैं यहाँ पर जंप ना मारता ना तो भाई यहाँ पर मैं गया था पूरी तरह से। तो ये बंदा कैमरे की तरफ चला जाता हूँ, मैं पीछे से जाता हूँ इसके। अब यहाँ पर हो जाती है स्क्वाड ये क्लच पूरी, एक 1v4 कर देता तुम्हारे भाई। एंड यहाँ से मतलब कि स्क्वाड पूरी तरह से फिनिश हो चुकी थी, तो मैं करता हूँ यहाँ से लूट वगैरह करता हूँ एंड जस्ट निकलता हूँ यहाँ से पीक की तरफ, क्योंकि पीक में ही सारे बंदे आए थे। एक यार है ना इसमें मुझे वन टैप हेडशॉट और सीखना कि हेडशॉट कैसे मारते हैं, वो नहीं आता साला मुझे। मैंने बहुत मतलब ट्राई किया ट्रेनिंग ग्राउंड में, बहुत मतलब कि भाई इतनी कोशिश की है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो मैंने वन टैप शॉट मारने की शॉटगन से भी हो गया, स्नाइपर से भी हो गया, या उससे भी किसी ऑटोगन से भी हो गया, तो उससे मतलब कि भाई इतनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने स्कोप इसका जो फायर वाला बटन है ना वो कर दिया लेफ्ट साइड में ऊपर मैप के साथ ना, जहाँ पर टावर वगैरह शो होते हैं ना, तो वहाँ पर कर दिया मैंने फायर वाला बटन, क्योंकि मैंने पहले पबजी एंड बीजीओ में खेलता था ना, तो उसी का मतलब कि क्रेज़ था मुझे, तो उसी का कंट्रोल मैंने इसी में सेट किए हुए हैं। तो वहाँ अब थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, आपको वन टैप शॉट टू शॉट भी देखने को मिलेगा, जैसे अज्जू भाई एंड बैच वगैरह 99 मारते ना अमित भाई वगैरह, तो वो अब तुम्हारा भाई भी इनकी तरह ही अब मतलब कि अब सीख जाएगा, बहुत ही जल्दी सीख जाएगा अमित भाई की तरह एंड बैज 99 की तरह, मतलब कि वन टैप शॉट भाई आपको बहुत जल्द मिलेगा एंड तुम्हारा भाई इतना खिलाड़ा बन जाएगा ना भाई क्या बताऊँ, बहुत ही जल्द खिलाड़ा बनने वाला तुम्हारा भाई यहाँ पर। अब क्योंकि मेरे पास मतलब कि तो ये दूसरा फ़ोन है ना जो असूस का मैक्स प्रो M1 है, तो इसी में BGMI है, इसी में भाई फ्री फायर है, ठीक है, और इसी में स्टीम वाला सॉफ्टवेयर है जिसे मैं स्टीम करता हूँ, तो ये फ़ोन मतलब कि लैग हो जाता है, 4GB रैम है ऊपर से इसमें, तो भाई फ़ोन तुम्हें लैग होता है। तो अब बहुत ही जल्द आपको मतलब कि ना इसमें आपको मतलब कि मूवमेंट मतलब कि सही दिखेगा आप उसमें, क्योंकि थोड़ा मैंने इसके मैं चेंज किया है, तो कुछ ना कोई बहुत कुछ इसमें से डिलीट भी किया मैंने फ़ोन में से, तो आपको इतना लैग नहीं दिखेगा स्टीम पर भी एंड गेम प्ले में भी, तो थोड़ा सा मतलब कि इम्प्रूवमेंट लगेगी आपको। एंड अब बस सेकंड मतलब कि अब जो बात है जो मैंने बताई थी कि आपको मतलब कि
अब भाई किस किस को ये जानना है कि टोटल गेमिंग मतलब अज्जू भाई के और बैज 99 की भाई जो फेस रिवाइल है वो होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो आपके लिए बहुत ही जल्दी भाई ये वीडियो आने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इस वीडियो का, उसका उनके दोनों अपने बड़े भाई इनके फेस रिवाइल बहुत ही जल्दी मतलब कि आपकी आपके लिए ये वीडियो आने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मतलब कौन कौन भाई चाहता है कि उनका दोनों का फेस रिवाइल होना चाहिए, ठीक है, तो कौन कौन चाहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट करके कि फेस रिवाइल उन दोनों का भाई का होना चाहिए, अमित भाई का एंड अज्जू भाई का एंड बैज 99 का, ठीक है, तो उनका फेस रिवाइल होना चाहिए, कौन कौन चाहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन अब जब इसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा ना फेस रिवाइल का, तो आपको मतलब कि बहुत ही उसमें मज़ेदार मतलब कि वीडियो देख मतलब कि एक अभी मैं बताऊंगा नहीं उस वीडियो के बारे में, आपको बस थोड़ा सा हिंट दूंगा कि मतलब कि वीडियो भाई मतलब कि बहुत ही झक्कास होने वाली है उसका नेक्स्ट, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट वो आपको बताऊंगा मैं किसी और दिन, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, बट चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि ना आप मिस ना हो उसके लिए, ठीक है, फेस रिवाइल के लिए दोनों भाई का अपना, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कि अब मेन बात है अब यहाँ गेम प्ले की, तो गेम प्ले की तरफ ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर मतलब कि स्क्वाड क्लच हो चुकी है जितनी क्लॉक टावर में, तो सारे बंदे थे पीक की तरफ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लूट वगैरह करके निकल देता हूँ जस्ट यहाँ से, एंड यहाँ से ये जो स्लाइड वगैरह है तो इससे मैं जस्ट जाता हूँ, जैसे ही जाता हूँ ना वहाँ से मतलब कि बंदे मुझे पहले ही हो जाते हैं वहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ पहले ग्लोबल उठाता हूँ यहाँ से मतलब कि थोड़ा सा, क्योंकि ग्लोबल भाई बहुत ज़रूरी है, एंड ग्लोबल ना हो ना तो कवर तो भाई मुश्किल ही है, क्योंकि ओपन में तो आपको फ्री फायर में ना कवर मिलेगा नहीं कहीं पर, जितना मर्जी ट्राई कर लो भाई ओपन में कवर मिलेगा ही नहीं, एक BGMI हो गया एक फ्री फायर हो गया, अगर आप ओपन में हो ना आपके पास शील्ड नहीं है, BGMI तो शील्ड होती है उसमें तो भाई फिश शील्ड होती है ना, तो इसमें तो BGMI में तो ग्लोबल होती है, तो इन दोनों में गेम में ना आपके पास शील्ड नहीं है, शील्ड या कह लो या ग्लोबल कह लो वो चीज़ नहीं है, तो आपके पास मतलब खेलना तो बहुत ही बेकार है, अगर आप प्रो मतलब कि एज ए प्लेयर ना हो तो, अगर न्यू कमर हो तो जैसे किसी ने न्यू गेम डाउन की है तो वही खेल रहा है तो उसके पास तो भाई ग्लोबल तो होती नहीं, क्योंकि ग्लोबल का पता ही नहीं होता किसी को, मैंने भी जब गेम जब खेलनी शुरू की थी ना तो मुझे ग्लोबल का पता ही नहीं था, बहुत से मतलब कि लोगों ने बताया कि भाई ग्लोबल लगा ले ग्लोबल लगा कर ग्लोबल लगा कर, बट मुझे ग्लोबल का पता ही नहीं था, ये तो अभी जाकर मुझे पता लगा है क्योंकि भाई ग्लोबल भी होती है इसमें कवर के लिए, मैंने जब शुरू में गेम डाउन की थी ना बीच पहले अपन पबजी खेलते थे ना तो पबजी का ही मुझे पता ही था बस। अब देखो भाई यहाँ पर आ चुका था मैं पीक की तरफ, तो पीक की तरफ मुझे बंदे शो होते हैं बहुत सारे, एंड मैं क्या करता हूँ पहले कवर लेता हूँ क्योंकि भाई कवर नहीं था मेरे पास, एंड यहाँ पर जैसे मैं उस बंदे एक बंदे को देखता हूँ तो भाई मुझे बहुत डैमेज दे देता है वो, और यहाँ पर मुझे इतना पता नहीं था कि ये पूरी स्क्वाड है क्या, ये अलग लड़ रहे हैं बंदे, तो मैं थोड़ा सा इधर की तरफ आता हूँ लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ, तो यहाँ पर मुझे बंदे शो हो जाते हैं। अब देखो भाई इनको कैसे पेलने की ट्राई करते हैं, अब इस बंदे को भाई इतना डैमेज देता हूँ भाई क्या बताऊँ आपको, देखो भाई कितना डैमेज देता है बाद में दिखना इसे, और पीछे से इसको पता नहीं बंदा मार जाता था ना उसका टीममेट मारता था कहाँ से आता है ये तो पता नहीं लगता इसको, बट इसको मैं बहुत डैमेज देता हूँ, पता नहीं ये सात वाला बंदा मार जाता है इसका जो टीममेट होता है इसका, ये नहीं पता कहाँ से आता है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो।